करता हूँ कि कुछ शिकायत थी कि गंगोह विधानसभा में खासकर नशे के मामला कारोबार ज्यादा बढ़ रहा है, इसके प्रति आपने क्या जो है कार्यकर्ताओं को आश्वासन? देखिएगा, नशे का कारोबार पिछले कुछ समय से बढ़ा है, इससे मैं इसमें कोई दोराय की बात नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोग प्रशासन के साथ बैठेंगे, पुलिस के साथ बैठेंगे और इस पर किस प्रकार से लगाम लग सके वो हमारा प्रयास रहेगा। आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब मैं प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं हूं। अब मैं उस सीमा को भी पार करने के लिए तैयार हूं। कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अब आने वाले समय में अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का शिकार होना नहीं पड़ेगा। लोगों के साथ उत्पीड़न करने की बात की जाती रहेगी, उसका इलाज मैं अच्छे से करना भी जानता हूं और उसका करने में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना वक्त साथियों दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। 2024 इलेक्शन के परिणाम आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है सांसद प्रदीप चौधरी जी। आज की जो बैठक बुलाया गया था, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव के बाद हम लोग कोई बैठक अभी तक नहीं आयोजित की गई कर पाए थे। चुनाव के बाद की पहली बैठक है हमारी विधानसभा गंगोह के अंतर्गत, और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस बैठक में अपना हिस्सा लेने का काम किया है, वो आज सभी ने इस बैठक में उपस्थित होकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करने का काम किया, अपने विचार भी रखने का काम किया है। और इस चुनाव के अंदर जो परिणाम देखने को मिला है, उसको हम, जो जनता ने परिणाम दिया है, उसको हम सहज तरीके से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता के निर्णय को हम लोग सिरोधार्य मान करके चलने का काम करते हैं और आगे जनता के बीच की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। गंगोह शहर को, गंगोह विधानसभा को इस पहली बैठक के लिए क्यों चुना गया? नहीं, हम लोग लगातार कर रहे हैं बैठकें, कल को हमारी नकुट विधानसभा में है, उसके बाद शामली विधानसभा की बैठकें होनी है। ऐसा नहीं है वो कोई भी बैठक पहले हो सकती थी, पार्टी के द्वारा भी विधित सम्मत कार्यक्रम दिए गए हैं, वो 14 तारीख तक या 15-16 तारीख तक ही पूरे कर रहे हैं, ये सभी अभियान इसी के निमित्त होने हैं और वो अभियान के तहत आज की बैठक तय हुई। कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायत थी कि गंगोह विधानसभा में खासकर नशे के मामला कारोबार ज्यादा बढ़ रहा है, इसके प्रति आपने क्या जो है कार्यकर्ताओं को आश्वासन? देखिएगा, नशे का कारोबार पिछले कुछ समय से बढ़ा है, इससे मैं इसमें कोई दोराय की बात नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोग प्रशासन के साथ बैठेंगे, पुलिस के साथ बैठेंगे और इस पर किस प्रकार से लगाम लग सके वो हमारा प्रयास रहेगा। आपने अपने भाषण में बड़ा जो है गरमाई एक भाषण में बात कही है कि अब कार्यकर्ताओं पर अगर उत्पीड़न होगा तो बर्दाश्त से बाहर होगा, तो इस तरीके कोई चीज, क्या शिकायत पहले से आ रही थी? नहीं, आज देखने को मिला है कुछ लोगों ने इस प्रकार की शिकायतें अपने भाषण में भी कही है, कुछ लोगों के द्वारा कही गई थी, कुछ लोगों की तरह इस प्रकार की बातें आ रही थी कि अधिकारी जानबूझकर कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं या हमारी बात की सुनवाई नहीं करते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये बात का विश्वास दिलाया है कि हम आपके लिए तैयार हैं, हमें सीमा पार करके भी अपने लोगों का काम कराने की आवश्यकता पड़ी, जेन्युइन काम अगर नहीं किया जाएगा उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद प्रदीप चौधरी जी, और आज की जो है जो मतदाताओं की बैठक बुलाई थी उनका अभिनंदन करने के लिए जो सांसद जी ने अपने कार्यक्रम को पूरा कर हमारे सवालों का जवाब दिया। एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।